हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन एड्स के बारे में जिनको ना चाहते हुए भी हमें देखना पड़ता है, वो चाहे हमारी किसी वेबसाइट में हो या फिर हमारी किसी भी फ्री एप्लीकेशन में हो। तो उन सब एड्स को हम किस तरह से बंद करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर हम किसी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, जैसे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट को ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हमें कई सारे ऐड देखने को मिल रहे हैं। तो इनको मैं किस तरह से बंद करना, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इसके अलावा फ्री एप्लीकेशन जब भी आप डाउनलोड करते होंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी सारे ऐड्स देखने को मिल जाते हैं, उनको किस तरह से हम बंद कर सकते हैं, वही सब कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। तो गाइस, सबसे पहले हम अगर ब्राउज़र में जो हमारी वेबसाइट पे ऐड्स आते हैं उन्हें बंद करना है, तो उसके लिए हमें जाना होगा हमारे इंटरनेट ब्राउज़र में। ये बता देना चाहता हूँ आपको, अगर आपका फ़ोन सैमसंग का तो उसमें ज़रूर इंटरनेट ब्राउज़र होगा। तो इंटरनेट ब्राउज़र को अगर हम ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है ऐड ब्लॉकर के नाम से। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर काफ़ी सारे ऐड ब्लॉकर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हम चाहें तो यहाँ से किसी भी ऐड ब्लॉकर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा ऐड ब्लॉक फॉर सैमसंग इंटरनेट के लिए अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं, तो ये आपके कम्प्लीटली जो भी ऐड आते हैं वो सारे ही डिसेबल कर देता है। तो यहाँ से हम इसे इनेबल कर देते हैं, मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो वेबसाइट मैंने पहले से ही ओपन करके रखी हुई थी, अब एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं ऐड हमारे कितने बंद हुए हैं या नहीं। तो सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो ऐड्स आ रहे थे वो सारे ऐड बंद हो चुके हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर भी देख सकते हैं हमारे ऐड ब्लॉकर में हमें दिखा देगा कि हमारे कितने ऐड्स इसने ब्लॉक किए हैं। तो ये तो हो गई इंटरनेट ब्राउज़र की बात, जो कि सैमसंग के फ़ोन में होता है। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई और फ़ोन है तो उसके भी ब्राउज़र में भी आपको यहाँ पर ये इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर इस तरीके का ऑप्शन नहीं है तो फिर मैं आपको एक और वे बता दे रहा हूँ जिसकी मदद से आप एड्स को बंद कर पाएंगे। उसके लिए आपको सिंपली अपनी वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ से आपको एक ऐड ब्लॉकर डाउनलोड करना होगा। वहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सिंपली आपको ऐड गार्ड के नाम का एक ब्लॉकर, एड्स ब्लॉकर डाउनलोड करना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो उसको सिंपल आप जैसे ही डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह से आपको कुछ उसका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ से इसको इनेबल करना होगा, और जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे तो ये वाला अब जो मैंने इनेबल किया है ऐड गार्ड, तो ये हमारी जो वेबसाइट होती है उसके भी सारे एड्स को ब्लॉक करता है। साथ ही साथ ये आपके जो एप्लीकेशन में एड्स आते हैं उसको भी ब्लॉक कर देता है। जैसे कि मैं भी आपको दिखा देता हूँ, मैं पहले इसको डिसेबल कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमने एक एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है जिसमें हमें हमेशा एड्स देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद जैसे ही यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा आपको एक एड्स देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक ऐड देखने को मिल गया। तो फिलहाल इस ऐड को हम यहाँ से डिसेबल कर देते हैं। तो जब भी मैं इस एप्लीकेशन को खोलूँगा ये ज़रूर ऐड आएगा। इसी तरह के बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे ऐड आएगा। तो इसको हम डिसेबल करने के लिए हमें क्या करना होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। एक बार और चेक कर लेता हूँ पैन कार्ड स्टेटस, आप देख सकते हैं फिर दोबारा से यहाँ पे ऐड आ गया है। तो इस तरह के जो एड्स होते हैं उसको हम किस तरह से ब्लॉक करेंगे वो आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको ऐड गार्ड को डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, और यहाँ पर आपको ऐड गार्ड पे क्लिक करना होगा। ऐड गार्ड पे क्लिक करने के बाद आपको इसको इनेबल करना होगा। सिंपली देख सकते हैं यहाँ पर इसको हमने इनेबल कर दिया है। अब एक बार फिर से हम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो सिंपली जाते हैं हम एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, पैन कार्ड स्टेटस पे क्लिक करेंगे, और आप देख सकते हैं पूरी तरह से एप्लीकेशन हमारा काम कर रहा है ऐड गार्ड, और यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हो गया है। इसके बाद अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो सिंपली ये ओपन हो जाएगा। और मैं आपको और बता दूँ, अगर वो आप वीडियो देखते हैं जो फर्स्ट टाइम पे एड्स में आ रही थी, वो देखने के बाद भी आपको ये चारों ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आप इन पर क्लिक करेंगे आपको फिर दोबारा से ऐड देखना होगा। तो सिंपल अब मैं यहाँ पर किसी पर भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक भी ऐड यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन के एप्लीकेशन के एड्स बंद कर सकते हैं। साथ ही साथ इंटरनेट ब्राउज़र में आपको यहाँ से ऐड ब्लॉकर इंस्टॉल करना होगा, उसको यहाँ से ऐड करेंगे उसे भी ब्लॉक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका जो कंप्यूटर है और उसमें क्रोम ब्राउज़र है या फिर मोजिल्ला फायरफॉक्स ब्राउज़र है, तो सिंपली आपको उसको ओपन करना होगा। वहाँ पर आपको ऐड ब्लॉकर की एक्सटेंशन मिलेगी जिसको आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने कंप्यूटर में भी एड्स को बंद कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।